मेरा नाम गुंजर इक्कीर मुंडा हुआ, डॉक्टर रामदयाल मुंडा का सुपुत्र हूँ और फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए, उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी सपना देखा, जो कुछ भी कार्य किया, एक तो है कि उस सारे कार्य को स्मरण करने का दिन है, लेकिन जो काम छूट गया है, जो काम छोड़ के गए हैं, जो आगे की जो पीढ़ी है उसको पकड़ कर उसको आगे ले जाना है, तो उस काम में हमको लगता है विचार करने की ज़रूरत है कि उनके काम को किस तरह से हम लोग और आगे ले जाएं और बेहतर करें, और जो काम जहाँ पर वो रोके थे उसको फिर से कैसे शुरू करें। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ हम लोग को आज सोचने की ज़रूरत है। आज इतने बड़े विद्वान के पुत्र होने के कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको लग रही है कि आपको भी उस दिशा पर जाकर आगे की ओर बढ़ना? देखिए, एक जो बौद्धिक आंदोलन का जो उन्होंने श्रृंखला शुरू किया था, देखा जाए तो झारखंड आंदोलन जो एक हद तक बहुत पॉलिटिकल था, उसमें किस तरह से बौद्धिक क्षमता डाली जाए, तो उसको चालू रखने की ज़रूरत है। बौद्धिक क्षमता बोलने से सिर्फ एक ही दिशा में नहीं, सिर्फ लिटरेचर या फिर लैंग्वेज में नहीं, लेकिन झारखंडी जो चेतना को छूने वाली हर एक चीज़ में जो जितना भी हमें बौद्धिक चेतना की ज़रूरत है उसमें सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, और साथ साथ जो झारखंड की आत्मा है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक क्षेत्र में जिसमें जिसमें उनका योगदान रहा उसको आगे लेकर जाना पड़ेगा हम लोग को। जी, देखिए, एक तो है कि जो खासकर ग्रामीण इलाकों में जो सांस्कृतिक आंदोलन है, और शहरी, सिर्फ ग्रामीण नहीं शहरी इलाकों में भी, यहाँ तक देखा जाए तो पूरे झारखंड के क्षेत्र में जो सांस्कृतिक आंदोलन था उसको लेकर वो बहुत एक्टिव थे, और हमको तो लगता है कि जो झारखंडी संस्कृति को जो एक मान सम्मान दिलाने का जो बात रहा कि है ना, कि सिर्फ गरीब लोगों का चीज़ नहीं है ये एक, मतलब आप अपनी संस्कृति को एक सम्मान के साथ देखने का जो बात है वो हमको लगता है उन्होंने शुरू किया, और इसको बहुत सारे लोगों ने पकड़ा है अभी, और बहुत सारे लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये हमको खासकर उनका बहुत बहुत रमा इस ये चीज़ की, वो इस चीज़ को बहुत आगे ले गए हैं, तो उसको जारी रखेंगे उस चीज़ को। खास करके बात करें आपके पैतृक गांव तमाड़ की, जी, इस जोड़ी की, क्या लगता है कि कितना अभी और विकास इसको करना? देखिए, विकास, अब विकास का क्या पैमाना हम लोग सेट करते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन हमको लगता है कि हर एक क्षेत्र में सिर्फ विकास भौतिक रूप पे हम जहाँ तक सोचते हैं उस पर ही नहीं, सामाजिक रूप पे सारे क्षेत्रों में हमको लगता है कि एक बदलाव का प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा, उसको हम लोग किस दिशा में ले जाते हैं, किसके सबके साथ आगे ले जाते हैं उस पर निर्भर करें कि हम लोग किस तरह से करते हैं, लेकिन हाँ जी हाँ, अभी बहुत स्कोप है और उस पर हम लोग को बहुत काम करने की ज़रूरत है। जी जी, फोकस भी करते हैं, हाँ करते थे, इसको लेकर आप के माध्यम से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, एक तो है कि उनका शिष्य भी रहा हूँ, तो जो कुछ सिखाया उन्होंने कि हर एक कभी भी ढोल नगाड़ा पकड़ने में शर्म मत करो, तो आज भी वही करता हूँ कि जब भी होता है, मौका पड़ता है तो उसे पकड़ता हूँ। एक तो वो अपना व्यक्तिगत स्तर पर हो गया, लेकिन एक बड़े पैमाने पर देखा जाए तो बाकी जो लोग जितने भी युवक युवतियां हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, रखने चाहते हैं सीखना, तो उनको हम सिखलाते भी हैं, और उस तरह से मतलब अपने आप पर गर्व करने का एक हम लोग मौका देते हैं कि एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत आपको मिली हुई है तो इसको आप संभाल के रखिए, तो इस तरह से हम लोग आगे काम करते हैं।